गाइस मिड ऑफ जनवरी 2020 चल रहा है और अगर आप चेक करोगे प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर पे तो आपको बहुत सारे नए एप्लीकेशन देखने को मिल जाते हैं। ऐसे में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा एप्लीकेशन बहुत ही अच्छा होगा। तो डोंट वरी गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐसे टॉप 5 एप्लीकेशन जो अभी के टाइम में बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं और बहुत ही मजेदार एप्स हैं। मैंने इन एप्स को यूज करके देखा है, बहुत ही ज्यादा परफेक्ट ऐप लग रहा है मेरे को। तो उम्मीद करता हूँ आपको भी ये एप्स बहुत ही ज्यादा पसंद आएंगे। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं आपको कौन कौन से टॉप 5 एप्लीकेशन। गाइज आपने वॉलपेपर एप्लीकेशन तो बहुत सारे डाउनलोड किए होंगे, बट इस ऐप में कुछ डिफरेंट दिया गया है। इस ऐप में बहुत सारे कस्टमाइज वॉलपेपर आपको दिए जा रहे हैं जो कि अलग अलग थीम पे बेस्ड है। जैसे आपके सामने दिख रहा होगा क्लॉक बडी, ये फ्री कुछ थीम्स जो है इसमें फ्री हैं और कुछ को परचेस करना पड़ता है, तो आप इजीली इन्हें पॉइंट कलेक्ट करके परचेस कर सकते हैं कुछ दिन यूज़ करने के बाद। जैसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू दिखा रहा हूँ, क्लॉक बडी नाम का ये थीम है जो कि बहुत ही कूल दिख रहा है। तो मैं अगर इसे अप्लाई करता हूँ तो देखता हूँ कैसा दिखता है ये। तो देख सकते हो आप कैसा दिख रहा है, मैं इसे होम स्क्रीन पर अप्लाई करता हूँ। तो गाइस देखो बहुत सारा थीम होता है, वॉलपेपर एप्लीकेशन होता है जिसमें सिंपल रहता है, बस ये 3D टाइप का कस्टमाइज्ड वॉलपेपर दिया गया है जो कि अच्छा लग रहा है देखने में। गाइज आपने अपने ऐप को सिक्योर रखने के लिए कई सारे ऐप लॉक का यूज़ किया होगा, बट ये ऐप उन सारे ऐप से डिफरेंट है। ये ऐप किसी भी अपने ऐप को हाइड कर देता है, मतलब गायब कर देता है, लिटरली पूरा गायब। तो सबसे पहले आपको इस ऐप को इंस्टॉल करना होगा मेरे डिस्क्रिप्शन से, उसके बाद अपने होम स्क्रीन पे आपको लॉन्ग प्रेस करना पड़ेगा, उसके बाद नीचे आपको विजिट का ऑप्शन मिलेगा उस पर क्लिक करना पड़ेगा। विजिट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको सबसे नीचे चल जाना है। नीचे जाने के बाद ट्रांसपेरेंट विजिट का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, स्टाइल, तो आपको स्टाइल में कौन सा स्टाइल सेलेक्ट करना है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप इनविजिबल पर सेलेक्ट कर देते हो और आप सेकंड वाले ऑप्शन पे जाके ओपन ऐप्स में चूज़ कर लेंगे कि कौन सा ऐप को आपको हाइड करना है, तो वो ऐप हाइड हो जाएगा। तो मैं एग्जांपल के थ्रू ले लेता हूँ किसी भी ऐप को, फेसबुक को ले लेता हूँ, उसके बाद ऐड पे क्लिक कर देता हूँ और ऊपर डन कर दे रहा हूँ। उसके बाद आपको स्क्रीन पर कहीं भी फेसबुक का आइकन नहीं दिखेगा, लेकिन मैं अगर लोगो डिज़ाइन के बगल में स्पेस खाली उस पर क्लिक करता हूँ तो फेसबुक ऑन हो जाता है। जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ, देखो तो मेरा फेसबुक ऑन होने लगा था। तो गाइस ये ऐसा ऐप है जो हाइड कर देता है आपके एप्लीकेशन को, तो बहुत ही शानदार ऐप है ये। नेक्स्ट ऐप है उसका नाम है 3D वॉलपेपर, जिसमें कि आपको बहुत सारे 3D वॉलपेपर्स देखने को मिल जाते हैं और अलग अलग कैटेगरी के वॉलपेपर आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे स्पाइडरमैन के हो गए, पबजी के हो गए, जैसे जोकर के बहुत सारे वॉलपेपर आपको हैं। बस इसमें आपको कुछ एड्स देखने पड़ सकते हैं, जिसको ऐड देखने के बाद आप उस वॉलपेपर को अपने होम स्क्रीन पे आप लगा सकते हैं। जैसे मैं किसी भी वॉलपेपर को चूज़ कर लेता हूँ, जैसे मैं ये जोकर का वॉलपेपर ऐड कर ले रहा हूँ और सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखो अगर मैं इसे होम स्क्रीन पे लगाता हूँ, ऐड टू होम स्क्रीन कर दिया मैंने, अगर मैं इस ऐप को होम स्क्रीन पे लगाता हूँ तो देखो कितना अच्छा लग रहा है ये वॉलपेपर 3D लुक में। अगर अपने फ़ोन को आप रोटेट करोगे तो ये वॉलपेपर जो है रोटेट होगा पूरी 3D के वॉलपेपर की तरह, और इसमें आपको बहुत सारे 4K वॉलपेपर्स भी देखने को मिल जाते हैं। बस इसमें कुछ एड्स आपको देखने को मिल सकते हैं, 4K वॉलपेपर्स भी आपको बहुत सारे दिख सकते हैं और लाइटिंग वॉलपेपर्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे इसमें। तो बहुत ही कमाल का ऐप है ये। नेक्स्ट जो ऐप है उसका नाम है नो क्रॉप। गाइज आपने अपने फ़ोटो में इफ़ेक्ट डालने के लिए कई सारे फ़ोटो एडिटिंग ऐप का यूज़ किया होगा, वैसा ही ये ऐप है जो आपके फ़ोटो में कई सारे डिफरेंट टाइप के इफ़ेक्ट्स डाल देता है। जैसे मैं किसी एग्जांपल के लिए अपने एक फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेता हूँ गैलरी में से, उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि कौन कैसे इफ़ेक्ट डालता है इसमें ये। जैसे मैं किसी भी फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेता हूँ, टिक कर लेता हूँ मैं उसको, देखो
कुछ एड्स देखने को आपको इसमें मिल सकते हैं। उसके बाद स्पाइरल पे आपको अगर क्लिक करते हो, देखो बहुत सारे इफेक्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे लाइटिंग इफेक्ट है, देखो कई सारे इफेक्ट्स है इसमें लाइट के, देखो कितना अच्छा लग रहा है ये फ़ोटो अगर इफेक्ट्स डाला गया है इसमें। तो कई सारे टूल्स भी है इसमें, जिसमें कि आप अपने फ़ोटो को रोटेट कर सकते हो, या फिर ब्राइटनेस बढ़ा सकते हो, ब्लर कर सकते हो। अगर आप अपना बैकग्राउंड ब्लर करना चाहते हो बिल्कुल DSLR की तरह, तो इस फोटो को DSLR की तरह बिल्कुल बना सकते हो। यह ऐप बहुत ही कमाल का है, तो जरूर से इस सारे ऐप को ट्राई करना। तो गाइस लास्ट जो ऐप है उसका नाम है लोगो डिज़ाइन। बहुत सारे लोग अपने कंपनी या फिर यूट्यूब चैनल के लिए लोगो डिज़ाइन करवाने के लिए दूसरे लोगों के पास जाते हैं, जो कि प्रोफेशनल लोगो डिज़ाइनर होते हैं। बट आज के बाद आपको किसी भी दूसरे लोग के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये लोगो डिज़ाइन ऐप आपको बहुत सारे लोगो ऑलरेडी प्रोवाइड करता है, जिसमें कि आप सिंपली अपने कंपनी का नाम डाल के बहुत सारे लोगों को डिज़ाइन करके एक्सपोर्ट कर सकते हो, अपने चैनल पे लगा सकते हो, या फिर अपने कंपनी के लिए प्रिंट करवा सकते हो। जैसे कोई बहुत सारे कैटेगरी है यहाँ पे, अगर म्यूज़िक है आपका या फिर बिजनेस है, तो अगर मैं बिजनेस पे सिलेक्ट करता हूँ तो देखो बहुत सारे कंपनी का लोगो आ गया है। जैसे आप बहुत सारे कंपनी का लोगो देख सकते हो यहाँ पे, और बहुत सारे डिफरेंट कलर्स भी सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको दूसरा कलर चाहिए तो उस भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो बहुत ही कमाल का ये भी ऐप है।